नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्री विश्वास पे। इस वीडियो में हम आपको एग्रीकल्चर के जो CGPAT में जो एग्जाम क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके मोस्ट इंपोर्टेंट 20 क्वेश्चन कराने वाले हैं जो कि हर साल लगातार रिपीट होते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन किस प्रकार का है। पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं जो कि हमारा PDF में सीरियल नंबर 21 है। प्राकृतिक विधि में एक मुर्गी औसतन कितने अंडे पाल सकती है? तो प्राकृतिक विधि में एक मुर्गी औसतन जो है 21 नंबर का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 8 से 10 अंडे पाल सकती है एक मुर्गी। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं सबसे अधिक बीमारी किस में फैलती है? तो दोस्तों इसमें चार ऑप्शन दिया है, मुर्गी में, गाय भैंस में, भेड़ बकरी में, ऊँटों में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सबसे अधिक रोग जो है वो मुर्गी में फैलती है। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं साइलेज बनाने के लिए कौन सी फसल सर्वोत्तम है? तो दोस्तों साइलेज बनाने में कौन सी फसल सर्वोत्तम है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन थ्री जो हो जाएगा ज्वार। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं साइलेज में नमी की मात्रा होती है, तो साइलेज में नमी की मात्रा कितनी होती है? तो साइलेज में जो नमी की मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो 24 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 2, 30 से 40% साइलेज में नमी होना चाहिए। 25 नंबर क्वेश्चन मिल्क फीवर बीमारी किस में फैलती है? तो मिल्क फीवर जो एक बीमारी होता है जो है गाय में फैलती है, गाय के थनों में फैलते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं निम्न में से मृदु रेचक का उदाहरण है, तो मृदु रेचक किसका उदाहरण है? तो 26 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 3 उपयुक्त सभी में। इसमें चार ऑप्शन दिया गया, हरा चारा, साइलेज, मोलासेस और उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों उपयुक्त सभी। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिए, वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपका CGPAT में बहुत ही बार सब क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर स्थानीय स्नान या लोकल बाथ का इस्तेमाल किस बीमारी में करते हैं? 27 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा खुरपका मुंहपका में। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं पशुशाला धुलाई हेतु फिनाइल की सांद्रता प्रयोग करते हैं, तो कितना करते हैं? तो इसका 28 का जो राइट आंसर है हो जाएगा ऑप्शन 1 0.1%। दोस्तों ये क्वेश्चन भी बार बार पूछे जाते हैं CGPAT MPPAT में। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों अगर आपको CGPAT का कंप्लीट कोर्स चाहिए PDF में आपके मोबाइल में, तो दोस्तों ऊपर स्क्रीन पे हमारा नंबर दिया गया, आप हमसे कॉन्टेक्ट करके PDF ले सकते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कान काटना मुख्यतः किन पशुओं में प्रचलित है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो सुअर में प्रचलित है। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं ऊँटनी का गर्भकाल कितना होता है? दोस्तों ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछे जा चुके हैं। ऊँटनी का जो गर्भकाल होते हैं वो होता है 395 दिन। मुर्गे की भारतीय नस्ल कौन सी है? तो दोस्तों इसमें चार ऑप्शन दिया गया है, कोचिन, घागर, जर्सी ब्लैक और एनाकोना। तो दोस्तों इसमें से आपका भारतीय नस्ल को टिक करना है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों घागर जो है मुर्गियों का भारतीय नस्ल है। 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं व्हाइट लेग हार्न किसके लिए प्रचलित है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अंडे के लिए व्हाइट लेग हार्न प्रचलित है। 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं मुर्गी की द्वीप प्रजनी नस्ल कौन सी है? द्वीप प्रजनी का मतलब होता है दोस्तों अंडे के लिए और मांस के लिए दोनों के लिए। तो 33 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा रोड आइसलैंड रेड। ये अंडे के लिए भी पाले जाते हैं और मांस के लिए भी। 34 नंबर क्वेश्चन रानीखेत बीमारी किस में फैलती है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रानीखेत से रिलेटेड क्वेश्चन हर साल आते हैं। तो दोस्तों जो 34 नंबर का रानीखेत का जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा मुर्गी में फैलते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं राजस्थानी नस्ल की भेड़ की ऊन होती है? तो दोस्तों 35 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 मोटा कालीन उपयोगी। 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं राजस्थान में भेड़ की सबसे प्रचलित नस्ल कौन सा है? तो दोस्तों 36 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 चोकला हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन मेरिनो नस्ल किसकी नस्ल है? मेरिनो एक नस्ल है जो कि किसकी है? बकरे की, भेड़ की, गाय की, मुर्गी की। तो 37 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 हो जाएगा, मेरिनो जो है भेड़ की नस्ल है। 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं किस टाइप का क्वेश्चन है, सबसे अधिक दूध देने वाली भारतीय गाय की नस्ल है? तो दोस्तों ये आप सबको पता होगा साहीवाल सर्वाधिक दूध देने वाला भारतीय नस्ल है। 39 नंबर निम्न में से गाय की द्वीप प्रजनी नस्ल है? तो दोस्तों गाय में भी
दूध के लिए और काम करने के लिए, मतलब बोझ ढोने के लिए और दूध के लिए भी दो टाइप के नस्ल पाए जाते हैं, जो कि एक ही गाय में या बैल में, दोनों में एक ही गुण रहता है। तो कौन सा चीज़ है? तो 39 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हरियाणा, जो कि दूध के लिए भी और बाहर बाहर ढोने के लिए, मतलब हल उल चलाने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। 40 नंबर क्वेश्चन, जर्सी गाय के दूध में औसतन वसा होती है। 40 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा 4%। 41 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान में सबसे अधिक गाय कौन से जिले में पाई जाती है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है उदयपुर है। 42 नंबर क्वेश्चन, भैंस के मांस को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार पूछे जा चुके हैं। 42 तो जो इसका जो राइट आंसर है, भैंस के मांस को कहा जाता है बफन कहा जाता है। 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सबसे ज्यादा ऊन कहाँ पैदा होता है? तो भारत में सबसे ज्यादा ऊन जो है आपका 43 का जो राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान में पैदा होता है। 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मुर्गी पालन में राजस्थान का अग्रणी जिला कौन सा है? तो 44 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो जाएगा आपका ऑप्शन दो, अलवर। 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मेरिनो नस्ल कहाँ की है? तो मेरिनो जो नस्ल है वो आपका स्पेन की नस्ल है। 45 का जो राइट आंसर है ऑप्शन थ्री। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों अगर आपको CGPAT का कंप्लीट कोर्स चाहिए या MPPAT का कंप्लीट कोर्स चाहिए तो ऊपर स्क्रीन पे हमारा नंबर दिया गया है, हमसे कांटेक्ट करके आप कंप्लीट नोट्स ले सकते हैं, बिना कोचिंग के सिलेक्शन की फुल गारंटी रहेगा। दोस्तों हमारे चैनल पर अगर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।